नमस्कार, नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं एक और नए तेवर और नए कलवेर के साथ। नया सवेरा के एक और खास अंक को लेकर मैं हूँ कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी आंचल गुलाटी। शुक्रिया कृतिका। अगले घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। और जब हम बड़ी खबरों की बात करते हैं तो G20 को लेकर भारत मंडपम का जो स्टेज है वो सेट हो चुका है। हमारे कई ऐसे रिपोर्टर्स हैं जो और एंकर्स जो वहां से जुड़ेंगे तमाम बेहतरीन जानकारियों के साथ। तो पल पल की अपडेट्स के लिए खास तौर पे G20 से जुड़ी हुई आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं हम टॉप स्टोरीज यानी कि आज की सुर्खियों का। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए वैश्विक नेताओं के नई दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित कई बड़े नेता सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज पहुंच रहे हैं दिल्ली। G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए नई दिल्ली में भव्य सजावट। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देते हुए भारतीय संस्कृति के रंगों और सुंदर कलाकृतियों से सजी राजधानी, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर नई दिल्ली में यातायात प्रतिबंध लागू। मालवाहक वाहनों की 10 सितंबर तक दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं। आज से 10 सितंबर तक नई दिल्ली जिले का पूरा क्षेत्र नियंत्रित जोन घोषित। G20 शिखर सम्मेलन के लिए डीडी न्यूज ने किए खास इंतजाम। ग्राउंड जीरो से पल पल की जानकारी के साथ मौजूद है संवाददाताओं की पूरी फौज। विश्वसनीय खबरों और विश्लेषण के लिए बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। उत्तर प्रदेश की घोसी समेत 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से होगी शुरू। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में माली में आतंकवादी हमले में करीब रोहन बोपन्ना और एब्डेन की जोड़ी पहुंची है सेमीफाइनल में और आज उनका मुकाबला है कड़ा, जिस पर रही है हमारी नजर। तो ये थी तमाम वो खबरें जो बटोर रही हैं सुर्खियां। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और बात करते हैं नई दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन से जुड़ी हुई। जी हाँ, G20 शिखर सम्मेलन की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में 9 और 10 सितंबर तक होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए उत्साह और तैयारी अपने चरम पर है। नई दिल्ली में दुनिया भर की तमाम शक्तिशाली देशों के नेता आज जुटेंगे और इस दौरान पूरी दुनिया सशक्त भारत की झलक देखेगी। जी समिट के लिए भारत में सज चुका है मंच। भारत पर है पूरी दुनिया की निगाहें। सजधज के साथ नई दिल्ली है तैयार। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। भारत आने लगे हैं मेहमान। भारत पलक पावड़े बिछाए मेहमानों की आगवानी के लिए पूरी तरह तैयार है। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने नई दिल्ली आ रहे दुनिया के शक्तिशाली मेहमानों की खातिरदारी के लिए जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। पूरी दिल्ली को चमका दिया गया है, कहीं कोई कोताही न रह जाए, इसलिए सम्मेलन से ठीक पहले दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना अपनी टीम के साथ खुद ही सड़क पर उतर गए और साफ सफाई का जायजा लिया। सुरक्षा से लेकर यातायात और इमरजेंसी हालातों से निपटने के लिए तमाम उपाय किए गए हैं। तैयारी ऐसी की गई है कि परिंदा पर भी नहीं मार पाएगा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। सेंट्रल दिल्ली पुलिस ने मोबाइल पुलिस स्टेशन लॉन्च किया। अभी से ही पूरी अलर्ट हो गई है दिल्ली पुलिस। लगातार उन्होंने अपना रिहर्सल किया है, ड्रेस रिहर्सल किया है और ये
एडवाइजरी के थ्रू बताने की कोशिश करेगी कौन से रास्ते खुलेंगे, कहां आ सकते हैं, क्या क्या फाउंडेशंस रहेंगी, किन नियमों का पालन करना। ऐसे में 8, 9, 10 इन इलाकों के आसपास आने के लिए आपको एक स्पेशल परमिट होगा। इस मेगा आयोजन को लेकर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खासी हलचल है। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने आ रहे विदेशी मेहमानों की सुरक्षा से लेकर उनकी सुविधाओं का भी सरकार पूरा ख्याल रख रही है। एयरपोर्ट पर हर फ्लाइट की मॉनिटरिंग की जाएगी। इससे विदेशी डेलीगेट्स को एयरपोर्ट से आने और जाने के दौरान बेहतरीन अनुभव का एहसास होगा। डेलीगेट्स के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर G20 से संबंधित प्रमोशन वेलकम कटआउट्स लगाए गए हैं। G20 के लिए विदेश से दिल्ली आने वाले डेलीगेट्स की सुविधा का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। इसके लिए विभिन्न विभागों के साथ संबंध बनाया जा रहा है ताकि डेलीगेट्स को कोई असुविधा न हो। अतिथियों का ढोल नगाड़े और शास्त्रीय संगीत के बीच शानदार शाही स्वागत किया जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन में खास मेहमानों को सोने चांदी के बर्तनों में खाना परोसा जाएगा। अलग अलग होटल के शेफ ने अपने मेन्यू तैयार किए हैं, उसी हिसाब से बर्तन भी डिजाइन कराए गए हैं। जहां विदेशी मेहमानों के लिए विशेष रूप से तैयारी की गई है, वहीं भारतीय संस्कृति का भी भरपूर ख्याल रखा गया है। दिल्ली के मंडपम कन्वेंशन सेंटर में हो रहे इस समिट में शामिल हो रहे नेता आर्थिक, जलवायु परिवर्तन और शिक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत मंडपम को ऐसा बनाया गया है कि वासुदेव कुटुम्बकम की अवधारणा जीवंत होती दिख रही है। शंख, मोरपंख, पंचतत्व, योग, सूर्य शक्ति द्वारा देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा का दर्शन तो कराया ही जाएगा, साथ ही जीरो से इसरो के जरिए स्वर्णिम इतिहास दिखेगा। सम्मेलन के पहले दिन सांस्कृतिक गलियारे को खोला जाएगा। इसमें वेद की पांडुलिपि सहित सम्मेलन में शामिल हो रहे देश की सबसे मूल्यवान और सर्वश्रेष्ठ कलाकृतियां प्रदर्शित होंगी। मेहमान नवाजी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर भारत G20 शिखर सम्मेलन में आने वाले मेहमानों के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। ये कोशिश है कि हर आने वाला मेहमान भारत से सुनहरी यादें लेकर जाए। भारत की प्रमुख डिजिटल उपलब्धियों को दिखाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में बकायदा एक डिजिटल जोन भी बनाया गया है, जहाँ पर अतिथि डिजी लॉकर की व्यवहारिक उपयोगिता के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो पूरा विश्व G20 शिखर सम्मेलन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा है। ये सम्मेलन शनिवार से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है और इसमें विश्व के अग्रणी 20 देशों के नेता आर्थिक और विकास से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करने वाले हैं। विश्व भर से G20 शीर्ष नेता वैश्विक समारोह में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुँच रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासन अध्यक्ष आज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। वहीं मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ, नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबु, यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेन राष्ट्रीय राजधानी पहुंच चुके हैं। विश्व के नेता इस सम्मेलन में खाद्य, ऊर्जा सुरक्षा के साथ साथ स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु संकट और बहुआयामी विकास बैंकों की क्षमताओं पर गंभीरता से विचार विमर्श करेंगे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत में G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और बाइडेन सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत के लिए रवाना भी हो चुके हैं। बाइडेन के आज शाम तक नई दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है और जब वो वहां से रवाना हुए तो उस दौरान की ये तस्वीरें आप तक पहुंच। बताया कि G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अतिथियों का आना शुरू हो चुका है। वहीं IMF की निदेशक क्रिस्टीना जॉर्जीवा कल नई दिल्ली पहुंची हैं और दिल्ली हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया गया।
वहीं G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन भी कल नई दिल्ली पहुंची। हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने की। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो एक एक करके जो विदेशी मेहमान हैं उनका दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जो है वो अब शुरू हो चुका है। तो भारत के संस्कृति के रंगों से रूबरू होते हुए विदेशी डेलीगेट्स और वहीं G20 शिखर सम्मेलन को लेकर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी खासी हलचल है। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने आ रहे विदेशी मेहमानों की सुरक्षा से उनकी सुविधाओं तक सरकार पूरा ख्याल रख रही है। एयरपोर्ट पर हर फ्लाइट की मॉनिटरिंग की जा रही है। इससे विदेशी डेलीगेट्स को एयरपोर्ट से आने और जाने के दौरान बेहतरीन अनुभव का एहसास होगा। डेलीगेट्स के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर G20 से संबंधित प्रमोशन वेलकम कटआउट्स लगाए गए हैं। G20 के लिए विदेश से दिल्ली आने वाले डेलीगेट्स की सुविधा का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। इसके लिए विभिन्न विभागों के साथ संबंध में बनाया जा रहा है ताकि डेलीगेट्स को कोई भी असुविधा ना हो। और किस तरीके की दिल्ली में तैयारियां हैं विदेशी मेहमानों के आने को लेकर के, इस पर जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी विकास से। लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक लिया रुकते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। दादू आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? बेटा दादू की तबीयत खराब है, उन्हें तेज बुखार, सर दर्द और उल्टियाँ भी हो रही हैं। बच्चों मलेरिया एक खतरनाक बीमारी है जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होती है। ठंड के साथ कम कपी, तेज बुखार, सर दर्द, उल्टी इत्यादि। अगर किसी को भी ये लक्षण हो तो जांच व उपचार कराना चाहिए। हमें तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए। मलेरिया के लक्षण हो तो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर मुफ्त में जांच और संपूर्ण उपचार करवाएं। ये दृढ़ संकल्प हमारा है। अर्जुन एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड, अब आगे क्या सोचा है? पापा मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्यामंदिर। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न्स से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या एड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और G20 को लेकर हमारे साथ दो हमारे ग्राउंड रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं। विकास सारथी हमारे साथ मौजूद है, साथ ही मौजूद है हमारे साथ धीरज सिंह। आप दोनों को ही सुप्रभात। सबसे पहले नीरज आपके पास आना चाहूंगी। हम लगातार देख रहे हैं कि विदेशी मेहमानों का सिलसिला है जो आने का वो लगातार जारी है। ऐसे में ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि राजधानी दिल्ली को लेकर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जिस तरह से तैयारी की गई है बिल्कुल चाक चौबंद। चल मैं आपका जो सवाल है वो नीरज को बता दूं। नीरज ये बताइए कि किस तरह की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं। आचल ये जानना चाहती हैं कि इतने डेलीगेट्स आ रहे हैं, अलग अलग राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, तो हवाई अड्डे से लेकर के और जो भारत मंडपम है वहां तक और बाकी दिल्ली की पूरी सुरक्षा के लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्या क्या अरेंजमेंट्स हैं दिल्ली पुलिस? देखिए विकास, अगर हम यहां से खासतौर से एयरपोर्ट से देखें, पालम से लेकर और जहां तक विदेशी मेहमान जहां ठहरेंगे, जिन होटलों में ठहरेंगे और इसके अलावा जब भारत मंडपम तक पहुंचेंगे और तो उनकी किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, तो आपको बता दें कि 10,000 से ज़्यादा दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो यहां पर लगाए गए हैं। पहली बार ऐसा है कि एंटी ड्रोन जो तकनीक है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और अगर कोई भी ड्रोन उड़ाने की कोशिश करेगा या ड्रोन के माध्यम से किसी भी तरह की कोई गतिविधि या कोई हमला करने की कोशिश करेगा तो उसको पहले ही कह सकते हैं कि न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। इसके साथ अगर देखें तो दिल्ली में फेस स्कैनिंग जो मशीनें हैं
वो जगह जगह पर लगाई गई है और खासतौर से वो सीसीटीवी से कनेक्ट है। और उन विकास मशीनों की खासियत यह है कि अगर कोई भी अपराधी, कोई भी आतंकवादी या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो गलत मंशा रखता है और वो अपना अगर हुलिया भी बदलता है तो उसका डाटा उन मशीनों में होगा और एक बार में, मतलब कुछ सेकंडों के अंदर 1000 से ज्यादा बार उसके हुलिया का जो डाटा है, या कह सकते हैं कि अगर चेहरा बदलता है तो वो जो जानकारी है वो फेस स्कैनिंग मशीन में आ जाएगी। इसके अलावा अगर बायोकेमिकल हमला होता है, इसके अलावा कोई मिसाइल से भी अगर हमला होता है तो उसके लिए भी दिल्ली पुलिस और इसके अलावा सीआरपीएफ और जो पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो तैयार हैं। एनएसजी के कमांडो की बाकायदा स्पेशल ट्रेनिंग भी हुई है, कई सारे होटल हैं जहां पर हेलीपैड बनाए गए हैं, अगर अचानक से किसी को निकालना पड़े तो उसका इंतजाम है। एयर एम्बुलेंस की जो सुविधाएं वो मौजूद हैं, स्नाइपर जगह जगह पर लगाए गए हैं। और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो देश की सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके साथ साथ विदेशी सुरक्षा एजेंसियां, क्योंकि बड़ी संख्या में जो विदेशी प्रमुख यहां पर पहुंच रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा एजेंसियों के साथ भी लगातार समन्वय। और आपने देखा भी होगा विकास के किस तरीके से ट्रैफिक का इंतजाम किया गया, अगर आप देखें पालम से लेकर और भारत मंडल तक एक बड़ा एरिया है और दिल्ली पूरी मेट्रो से घिरी हुई है, लगातार मेट्रो में करोड़ों और लाखों लोग सफर करते हैं, उनको परेशानी ना हो उसका भी ध्यान रखा गया है। और कुछ एक ही जगह पर जो मेट्रो स्टेशन है कुछ समय के लिए बंद होंगे, उसके बाद खोल दिए जाएंगे। तो इस तरह की सुरक्षा इंतजाम है कि सुरक्षा के साथ साथ दिल्ली की जनता का भी ध्यान रखा गया है। बिल्कुल आंचल, आपने सुना सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को लेकर के किस तरह की तैयारियां हैं पूरी दिल्ली में। और आज की हम शेड्यूल की बात करें तो आज सबसे पहले जो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं उनको यहां पर आना है, हालांकि उनकी फ्लाइट पहले लगभग 6:30 बजे सुबह पहुंचनी थी लेकिन उसमें कुछ देरी है। तो आज जो पहले हम बात करें जो बड़े व्यक्ति यहां पर पहुंच रहे हैं, राष्ट्रपति पहुंच रहे हैं, वो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा जो बाइडेन पहुंचेंगे वो करीब 6:30 बजे शाम को, उनका शेड्यूल है, यहां पालम टेक्निकल एरिया में उनकी फ्लाइट लैंड करेगी। तो आज ज्यादातर महत्वपूर्ण व्यक्ति जो हैं, अलग अलग G20 मेंबर नेशन के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति हैं, वो आज ही पहुंच रहे हैं, हालांकि कुछ लोग कल भी पहुंचेंगे। जी अब विकास, ये तो बात होगी उनकी सुरक्षा को लेकर, लेकिन अगर उनके रहने की बात की जाए या खाने पीने की व्यवस्था की बात की जाए तो उसकी किस तरीके से तैयारी है, और खाने पीने के साथ साथ हम किस तरीके से हमारी जो संस्कृति है उससे विदेशी मेहमानों को रूबरू कराएंगे? बिल्कुल आचल, यहाँ पर जहाँ तक ठहरने की बात है तो ज़्यादातर जो अरेंजमेंट्स हैं वो ITC मौर्य में, इसके अलावा ताज पैलेस में और इस ली मेरिडियन में अलग अलग होटल्स में रुकने के लिए उनका इंतजाम किए गए हैं। जहां तक US प्रेसिडेंट की बात है वो ITC मौर्य में रुकेंगे। खाने की आपने बात कही, बिल्कुल उनको जो इंडियन डेलिकेसीज हैं उनसे रूबरू कराया जाएगा। और खासतौर से जो राष्ट्राध्यक्ष आएंगे उनके साथ जो उनकी स्पाउस हैं, उनकी पत्नियां हैं, उनके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम रखने की भी बात यहां पे हुई है, जिसमें कि मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए उसके बारे में उनको जानकारी देने के लिए भी एक खास कार्यक्रम रखा गया है पूसा में। ये एक अलग से अरेंजमेंट किया गया है उसको लेकर के। तो भारतीय संस्कृति, भारतीय खान पान, इन सबसे जो G20 के जो सदस्य देश हैं वो और जो स्पेशल जिनको इन्वाइट किया गया है, आमंत्रित किया गया है, उन सभी को रूबरू कराया जाएगा। और जहां तक रुकने की बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो महत्वपूर्ण 5 सितारा होटल हैं शहर में, वहां पर अलग अलग राष्ट्राध्यक्ष रुकेंगे। विकास, हम जानते हैं कि इसकी औपचारिक शुरुआत कल से होनी है, तो किस तरह से तमाम जो मीटिंग्स हैं उनका जो ब्यौरा है वो दिया गया है? क्या कुछ बायलैटरल्स भी हो सकते हैं G20 की इन तमाम जो मीटिंग्स हैं उससे इतर? बिल्कुल आंचल, जहां तक बायलेटरल्स की बात करें तो भारत US एक बायलेटरल होना है, इसके अलावा फ्रांस और इंडिया का एक बायलेटरल टॉक्स भी होंगी इसमें। जहां तक G20 के एजेंडा की बात करें तो आप देखें कि लगभग 50 शहरों में 200 से ज्यादा बैठकें हुई हैं, तो उसमें जो एक्सपर्ट ग्रुप्स थे उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया है अपने अपने विषयों का, अपने अपने सब्जेक्ट का। करीब 32 के आसपास ऐसे विषय थे जिन पर चर्चा हुई G20 के अलग अलग जो ग्रुप्स बनाए गए थे जिन्होंने डिस्कशन किया उसको। तो आप माने कि ड्राफ्ट तैयार है, अब उसमें समिट में उन्हीं ड्राफ्ट्स पर एक फाइनल मोहर लगाई जाएगी और एक डिक्लेरेशन जिस पर कि सब राजी होंगे, जो एक जिसको हम बोलते हैं जो न्यूनतम बातें हैं जिन पर सभी लोग राजी होंगे। क्योंकि G20 में आप देखें तो उसमें सबसे डेवलप्ड इकोनॉमी भी है, डेवलपिंग इकोनॉमी भी है, और जो अफ्रीकन यूनियन है जैसे उनको स्पेशल तौर स्पेशली उनको इन्वाइट किया गया है। हमने इससे पहले देखा कि नाइजीरिया के राष्ट्रपति जो सबसे पहले पहुंचे थे, अगर G20 की बात करें तो
तो विदेशी मेहमानों में सबसे पहले वो आए थे, वो भी स्पेशल उनको इन्वाइट किया गया है इसमें। तो अलग अलग देश हैं, एक ऐसा कौन सा कॉमन प्रोग्राम हो सकता है जिस पर सब लोग राजी हों, उस पर समिट में एक मोहर लगाई जाएगी। और जो सब्जेक्ट्स हैं आप जानती हैं कि कैसे क्लीन एनर्जी जो, और खासतौर से जिस तरह से दुनिया भर में एक स्लो डाउन है इकोनॉमी में देखा जा रहा है, इन सब चीजों से कैसे पार पाया जाए, इसको लेकर के भी चर्चा होगी समिट। बिल्कुल, तो साफ तौर पर भारत मंडपम बिल्कुल तैयार है, स्टेज सेट। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि किस तरह से G20 का जो सफल क्रियान्वयन है वो पूरा विश्व देखेगा भारत की उभरती हुई ताकत को। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका भी, और साथ ही साथ विकास सारथी आपका भी, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। बिल्कुल, और G20 शिखर सम्मेलन को लेकर एक एक अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड, अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think विद्या मंदिर। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट के एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा, हाँ। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और G20 से ही जुड़ी आपको एक और खबर बताते हैं कि अब सम्मेलन से जुड़ी जो कवरेज है उसके लिए 24 घंटे का खासा इंतजाम किया है डीडी न्यूज़ ने। ग्राउंड जीरो से पल पल की खबर आप तक पहुंचाने के लिए हमारी पूरी टीम चप्पे चप्पे पर मौजूद है। सम्मेलन से जुड़ी हर खबर पर डीडी न्यूज़ की पहली नज़र होगी, विश्वसनीय खबरों और उनके विश्लेषण के लिए दिन भर आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। दरअसल भारत मंडपम ये वो स्थान है जहां G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं भारत मंडपम 360 डिग्री की एक छोटी सी झलक। इस वक्त मैं भारत मंडपम परिसर में हूं और आपको मैं 360 डिग्री व्यू दिखाना चाह रहा हूं इस भारत मंडपम परिसर का, और हमारे कैमरा सहयोगी संदीप आपको दिखा रहे हैं कि कितना भव्य ये बना हुआ है भारत मंडपम परिसर। भारत मंडपम परिसर में जो हमारे आप पीछे आप देख रहे हैं एक ये एग्जीबिशन हॉल है, तो हॉल नंबर 4 और 5 में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर बना है, और ये अब तक के जितने भी G20 की बैठक हुई है उसमें सबसे बड़ा ये अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर बना है हॉल नंबर 4 और 5 में। देश और दुनिया भर के जितने भी मीडिया कर्मी आएंगे, पत्रकार आएंगे, उनको हर तरह की सुविधा मिलेगी। वाईफाई की सुविधा है, वहाँ पर स्टूडियो है, स्टोरी फाइल करने की सुविधा है, साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल है अलग से, और जितनी भी अत्याधुनिक सुविधा हो सकती है वो तमाम व्यवस्था यहाँ पर किया गया है। उसके ठीक बगल में हॉल नंबर 3 है जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये एग्जीबिशन हॉल। इसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जो हमारी कलाकार हैं, उनके जो आर्ट हैं, उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, ताकि जब डेलीगेट आएंगे दुनिया भर के वो जाकर के देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी जो एक तरह से कल्चर है उसको देख सकते हैं, खरीदारी भी कर सकते हैं, इसकी भी व्यवस्था की गई है। ये दूसरा हॉल है एग्जीबिशन हॉल, और इसमें जो डेलीगेट आएंगे दुनिया भर के, देश दुनिया भर के, उनकी दफ्तर होगी एक तरह से, उनके लिए व्यवस्था किया गया है। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, चाहे वो WHO हो, WTO हो, या फिर बाकी जो डेलीगेट आएंगे उनके लिए ये बनाया गया है, उनके ऑफिस के लिए, ताकि वो काम कर सके यहाँ से, पर भारत का भी यहीं पर ऑफिस होगा। ये तीसरा मुख्य आयोजन स्थल है भारत मंडपम, जहाँ पर शिखर सम्मेलन होगा, जो वर्ल्ड लीडर आएंगे वो यहीं पर बैठक करेंगे। इसी में बायलैटरल टॉक की भी व्यवस्था है अलग से, जो भी दो देश अपने आपस में बात करना चाहते हैं वो बात कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति जो भोज देंगे, गाला डिनर देंगे, ठीक इसी
भारत मंडपम में वो भोज देंगी और यहीं पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा और उसके लिए तैयारियां चल रही हैं। देश भर के जितने कलाकार हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में भारत की एक छवि दिखेगी। हर राज्य के कलाकार दुर्लभ वाद्य यंत्रों के साथ अपने संगीत की प्रस्तुति देंगे जिसकी साक्षी बनेंगे वर्ल्ड लीडर। और ये जो परिसर देखिए आप मेरे पीछे नटराज की मूर्ति है जो बहुत ही यूनिक है, करीब 27 फीट ऊंची ये मूर्ति है और बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ इस नटराज की मूर्ति को बनाया गया है। भारत G20 की अपने अध्यक्षता के दौरान न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत, अपनी जो डिजिटल क्षेत्र में जो भारत ने क्रांति की है उसका प्रदर्शन कर रहा है, बल्कि जो आधुनिक भारत की जो छवि है उसको भी पेश कर रहा है। और जितने भी हमारे इनोवेशन हुए हैं या फिर हमारे जो टेक्नोलॉजी में हमारी जो बढ़त है उन तमाम चीज़ों को भारत यहाँ प्रदर्शित करेगा। कैमरामैन संदीप के साथ नितेंद्र सिंह, DD News, भारत मंडपम परिसर, दिल्ली। और G20 सम्मेलन के लिए दुनिया के कई देशों के जो मीडिया प्रतिनिधि हैं वो भी भारत आ रहे हैं। भारत मंडपम जहां पर मुख्य सम्मेलन होना है उसके बिल्कुल पास ही अंतर्राष्ट्रीय मीडिया केंद्र बनाया गया है जो अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है। यहां छोटे बड़े मीडिया ब्रीफिंग रूम्स भी हैं। बड़े ब्रीफिंग रूम में 300 से अधिक पत्रकारों के बैठने की क्षमता है। देखिए एक खास रिपोर्ट। G20 सम्मेलन के लिए तैयारियां अंतिम रूप ले चुकी हैं। भारत मंडपम जहां पर G20 का मुख्य सम्मेलन होना है उसके ठीक पास में अंतरराष्ट्रीय मीडिया सेंटर बनाया गया और वहां पर भी देखें तो तमाम तैयारियां की गई हैं जिससे देश और दुनिया के जो तमाम पत्रकार यहां पर आएंगे उनको कोई असुविधा न हो। वर्किंग स्टेशन बनाए गए हैं, चार्जिंग पॉइंट्स हैं, कियास हैं, उनकी सूचना के लिए तमाम जानकारियां वहां पर हैं। मीडिया ब्रीफिंग हॉल है, 1-to-1 इंटरव्यू के लिए अलग हॉल बनाए गए हैं और उसके साथ ही साथ छोटे बड़े कई मीडिया ब्रीफिंग रूम बनाए गए हैं जहाँ पर पत्रकारों को जानकारी दी जाएगी, जरूरी सूचना बताई जाएगी। तो इस वक्त हम मौजूद हैं सबसे बड़े मीडिया ब्रीफिंग हॉल में जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर में बनाया गया है। 300 पत्रकारों की यहां पर बैठने की व्यवस्था है, क्षमता है, तो सुनिश्चित यह किया गया है कि पत्रकारों को कोई दिक्कत न हो, देश और दुनिया जान सके कि G20 सम्मेलन में कितनी महत्वपूर्ण बैठकें हो रही हैं और यहां से जो संदेश निकले उस बारे में देश और दुनिया जान सके। तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर तैयार है देश और दुनिया के पत्रकारों का स्वागत करने के लिए। कैमरामैन संजीव के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD News, दिल्ली। और साथ ही G20 शिखर सम्मेलन को लेकर दिल्ली में यातायात प्रतिबंध भी लगाए गए हैं जहां दिल्ली सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार सभी प्रकार के माल ढुलाई वाहन, वाणिज्यिक वाहन, अंतर्राज्यीय बसें और स्थानीय सिटी बसों पर गुरुवार मध्यरात्रि से 10 सितंबर तक मथुरा रोड आश्रम चौक से आगे भैरव रोड, पुराना किला रोड और प्रगति मैदान सुरंग के अंदर जाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इसके अलावा वहीं भारी मालवाहक वाहन, मध्यम मालवाहक वाहन और हल्के माल ढुलाई वाहनों को भी गुरुवार रात 9 बजे से लेकर 10 सितंबर तक दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। आज सुबह 5 बजे से लेकर 10 सितंबर तक नई दिल्ली जिले का पूरा क्षेत्र नियंत्रित जोन घोषित कर दिया गया है। साथ ही आवश्यक वस्तुओं जैसे दूध, सब्जियां, फल, चिकित्सा आपूर्ति और अन्य सामान ले जाने वाले मालवाहक वाहनों को हालांकि दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति जरूर दी गई है। दिल्ली एयरपोर्ट, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों को नई दिल्ली जिले में प्रवेश की अनुमति होगी। और इसी पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता गिरीश निशाना हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरीश, सुप्रभात आपको। ख़ास तौर पर जिस तरह से वाहनों को लेकर अधिसूचना जारी की गई है उसके बारे में हमने दर्शकों को बताया, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ ख़ास तौर पर जो लोग अगर अपनी गाड़ियों से आना चाहते हैं या फिर जो ये तमाम जो रस्ते हैं उनको लेकर किस तरह का SOP जारी किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा।
देखिए आंचल, मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि G20 को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और नई दिल्ली में खास तौर पर क्योंकि मेहमान रुकने वाले हैं और नई दिल्ली में ही ये आयोजन होने वाला है जहां शिखर सम्मेलन होना है भारत मंडपम के अंदर, प्रगति मैदान के अंदर। तो ऐसे में जो नई दिल्ली का इलाका है उसको पूरी तरह से जो सामान्य वाहन जो आते थे उनको प्रतिबंधित किया गया है अभी 8, 9 और 10 तारीख के लिए। इस समय हम नई दिल्ली में मौजूद हैं। मेरे कैमरा सहयोगी मोहित से कहूंगा कि वे देर से दिखाएं, ये नई दिल्ली का इलाका है और कॉपरनिकस मार्ग, सिकंदरा रोड और बाराखंबा रोड, तमाम जो रोड हैं वो इससे कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं। लेकिन आप यहां देख सकते हैं रोजाना की भांति आज यहां पर ट्रैफिक बहुत ही ना के बराबर है। ये वही लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, या तो वो नई दिल्ली के अंदर रहते हैं या फिर जो ड्यूटी पर तैनात हैं या वो मेडिकल स्टाफ से हैं या मीडिया प्रोफेशनल्स हैं, वही लोग यहां पर दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं पूरी तरह से नई दिल्ली के इलाके को जो सामान्य वाहनों के लिए प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पहले ही साफ किया था कि जिनकी ड्यूटी है वो अपना आईडी कार्ड दिखाकर, अपना पहचान पत्र दिखाकर यहां पर अपने कार्यालय में पहुंच सकते हैं। हालांकि जो तमाम दिल्ली सरकार ने पहले कहा था कि जो दिल्ली सरकार के तमाम जो कार्यालय हैं वो फिलहाल 3 दिनों के लिए बंद रहेंगे। अगर आईटीओ से नई दिल्ली की तरफ की बात करें तो वही वाहन यहां पर आ पा रहे हैं जिनके पास वैलिड आई कार्ड है या जिनकी जो ड्यूटी पर तैनात है, चाहे वो पुलिस बल हो, चाहे अर्धसैनिक बलों के जवान हो, चाहे और अन्य लोग हैं, चाहे वो मेडिकल स्टाफ के लोग हों, तो उन्हीं लोगों को यहां पर आने जाने दिया जा रहा है। और जैसे जैसे समय नजदीक आएगा यानी कि कल और परसों का समय आएगा तो और ज्यादा ये प्रतिबंध बढ़ जाएगा। दिल्ली के अंदर वही वाहन आ पा रहे हैं आंचल जो बहुत जरूरी है, जैसे कि सब्जी, दूध और अन्य जो फल हैं उनकी ही गाड़ियों को आने की अनुमति दी गई है। अगर NH 48 की बात की जाए, NH राष्ट्रीय राजमार्ग 48 संख्या की बात की जाए, तो यानी कि जयपुर से दिल्ली की तरफ वही वाहन आ पा रहे हैं जो बहुत जरूरी है। बाकी तमाम जो वाहनों को रजौकरी बॉर्डर से मोड़ दिया गया है वो जो वाहन है वो मेहरौली की तरफ से होकर दिल्ली में एंट्री कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मेट्रो की बात की जाए तो मेट्रो बहुत सहायक सिद्ध हो रही है इस समय पर, क्योंकि आज सुबह 4 बजे से दिल्ली मेट्रो ने अपना परिचालन आरंभ कर दिया है। हालांकि सुबह 4 बजे से हर आधे घंटे की देरी पर मेट्रो चल रही थी, लेकिन 6 बजे के बाद से जिस तरह से सामान्य रूप से दिल्ली में मेट्रो चलती है हर 5 से 6 मिनट की अंतराल पे, वो लगातार दिल्ली मेट्रो चल रही है। लोग काफी संख्या में जो है मेट्रो का इस्तेमाल करके अपने कार्यालय तक पहुंच रहे हैं या जो लोग ड्यूटी पर तैनात हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फिलहाल नई दिल्ली के अंदर इस समय पूरी तरह से माहौल अलग देखने को मिल रहा है क्योंकि भारत मंडपम में ये कार्यक्रम होना है। तो ऐसे में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस के जवान, अर्धसैनिक बलों के जवान और जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के कर्मी हैं वो कहीं ना कहीं ट्रैफिक को देखने के लिए खड़े हुए हैं। तो इस समय नई दिल्ली के अंदर एक अलग माहौल देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया गिरीश तमाम जानकारी और अपडेट से निकले और आप लगातार वहां बने रहिए अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर आंचल अगर देखा जाए तो तैयारियां एकदम पूरी हो चुकी, विदेशी मेहमान भी आने शुरू हो चुके हैं और साथ ही दिल्ली की अगर बात करें तो कई जगह पर रास्ते प्रतिबंधित हैं, आने जाने में थोड़ी सी दिक्कत है। हालांकि लेकिन पहले ही बता दिया गया था इसके बारे में जानकारी, मेट्रो जो है उसका परिचालन लगातार किया जा रहा है। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। G20 सम्मेलन में चर्चा के लिए 3 अलग-अलग व्यवस्थाएं तय कर दी गई हैं, शेरपा ट्रैक, फाइनेंस ट्रैक और एंगेजमेंट ग्रुप्स। एक नजर G20 के फाइनेंस ट्रैक की अब तक की बैठकों पर डालते हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि G20 का फाइनेंस ट्रैक किस तरह से काम करता है और भारत की किन प्राथमिकताओं को वैश्विक समर्थन मिला। देखिए अजय मिश्र की इस खास रिपोर्ट में। एक दिसंबर 2000 फाइनेंस ट्रैक से किस तरह से तमाम जो बैठकें हुई हैं उससे जुड़ी तमाम अन्य जानकारियां भी हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भोलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555।
अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think विद्या मंदिर। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या एड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब तक बात हुई शिखर सम्मेलन को लेकर, अब नजर डालते हैं देश की अन्य खबरों पर। बिल्कुल, और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां की घोसी समेत 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से चल रही है। कुल 24 चरणों में मतगणना होनी है। मतगणना के लिए 70 से अधिक अधिकारियों को तैनात किया गया। पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी सीट, त्रिपुरा की धनपुर और बक्सर नगर सीट, केरल में पुथुपल्ली सीट, यूपी की घोसी सीट, उत्तराखंड की बागेश्वर सीट और झारखंड की डुमरी सीट पर वोटिंग 5 सितंबर को हुई थी। निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। गौरतलब है कि इन 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को एक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इतने दलों के साथ आने और फिर IN.D.I.A गठबंधन बनने के बाद यह किसी भी राज्य में पहला ये चुनाव है, और ऐसे में भाजपा की कोशिश है जीत कर अपना जलवा कायम रखे। वहीं गठबंधन दलों के लिए ये चुनाव एक अग्नि परीक्षण साबित होगा। और अब बात करते हैं मुंबई की, जहां पर कुरेशी नगर के कुर्ला पूर्व में झुग्गी बस्ती में अचानक से आग लग गई। मौके पर हालांकि दमकल विभाग की कई गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल इस हादसे में किसी के घायल होने या फिर हताहत होने की कोई सूचना अभी तक नहीं मिली है। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जा रहा है। हर साल 8 सितंबर को यह दिन मनाया जाता है। साक्षरता के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से इस दिन को मनाते हैं। साक्षरता का अर्थ है पढ़ने लिखने की क्षमता के योग्य होना। हालांकि साक्षर और शिक्षित होने में फर्क है। शिक्षित व्यक्ति के पास डिग्री विशेष होती है और साक्षर व्यक्ति पढ़ना व लिखना जानता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसके पास कोई डिग्री हो। दुनिया में कोई भी नागरिक निरक्षर ना हो, इस उद्देश्य से साक्षरता दिवस को मनाया जाता है। पढ़ना लिखना आने से उस व्यक्ति की उन्नति होती है, साथ ही समाज और देश का भी बेहतर विकास होता है। साक्षरता दिवस के मौके पर पढ़ने लिखने की उपयोगिता के बारे में लोगों को जागरूक करें, उन्हें साक्षरता के लाभ के बारे में बताएं। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तर पूर्वी माली में आतंकवादियों के हमले में कम से कम 49 नागरिक मारे गए। मारे गए सभी लोग नाव में सवार थे। आतंकवादियों ने कथित तौर पर एक सैन्य शिविर पर भी हमला किया, जिसमें 15 सैनिक मारे गए, जबकि लगभग 50 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर सरकारी टेलीविजन पर दिए गए सेना के बयान के अनुसार हमलों की जिम्मेदारी चरमपंथी विद्रोह समूह JNIM ने ली, जो अलकायदा से जुड़े सशस्त्र समूहों का एक गठबंधन है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने गुरुवार को रूसी सैनिकों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए सैन्य इकाइयों की प्रशंसा की। ज़ेलेंस्की ने कहा कि पूर्व में एक राष्ट्रीय गार्ड यूनिट और दक्षिण में 2 यूनिटों ने प्रभावी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को इस समय सभी स्तरों पर अच्छे परिणाम प्राप्त करने की जरूरत है। उत्तर कोरिया ने अपनी पहली परिचालन सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी लॉन्च की और इससे उस बेड़े को सौंपा जो कोरियाई प्रायद्वीप और जापान के बीच गश्त करता है। समाचार एजेंसी KCNA ने कहा कि उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने पनडुब्बी प्रक्षेपण समारोह में भाग लिया, और KCNA ने उत्तर कोरिया के आधिकारिक नाम डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के शुरुआती अक्षरों का उपयोग करते हुए कहा, पनडुब्बी लॉन्चिंग समारोह ने DPRK की नौसेना शक्ति को मजबूत करने के एक नए अध्याय की शुरुआत की है। बोलिविया के जंगलों में भीषण आग लग गई। खबरों के मुताबिक 5,000 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल में आग में जलकर खाक हो गया है।
दमकल की टीम आग पर काबू पाने की कोशिशों में लगी है, साथ ही आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टरों की भी मदद ली जा रही है। हजारों हेक्टेयर में फैली इस आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। मध्य ग्रीस में डैनियल तूफान आने से कम 6 लोगों की मौत हो गई और 6 से अधिक लोग लापता। कार्दित्सा के पास एस्ट्रा में बचाव अभियान चल रहा है। अधिकारियों की माने तो कार्दित्सा के नजदीक पलामास शहर में भी दर्जनों लोग अपने घरों के अंदर फंसे हैं और अभी तक 820 लोगों को निकाला गया। और अब बात कारोबार जगत की, लेकिन फटाफट अंदाज में। जापान की हिताची कंपनी ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से मिलकर व्हाइट लेबल एटीएम के रूप में पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है। यूपीआई एटीएम में बिना डेबिट कार्ड के भी एटीएम से कैश निकाला जा सकेगा। विदेशी बाजारों की गिरावट के दबाव के चलते दिल्ली में खाद्य तेल समेत सभी जिंसों के भाव स्थिर रहे। SBI म्यूचुअल फंड नजारा टेक्नोलॉजीज में 410 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। नजारा टेक्नोलॉजीज ने बताया कि SBI म्यूचुअल फंड निजी नियोजन के माध्यम से उसके इक्विटी शेयरों के तरजीह आवंटन को लेकर सहमत हुआ है। और आइए आपको दिखाते हैं हमारा खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां। बिल्कुल, और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए हम सीधा रुख करते हैं इस वक्त हमारी सहयोगी संध्या का। संध्या, क्या कुछ है आज के अखबारों में खास? लेते हैं अखबारों की सुर्खियों के सेगमेंट की G20 शिखर सम्मेलन की उसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के साथ, जो आज के सभी अखबारों में लीड खबर बनी है और हेडलाइन के साथ ली गई है। G20 शिखर सम्मेलन का आगाज आज से होगा, हालांकि आगामी 9 और 10 सितंबर को मुख्य बैठकें होंगी, मुख्य सम्मेलन आयोजित होगा। और नवभारत टाइम्स ने आज इस खबर को हेडलाइन के साथ लिया है और लिखा है कि आज लगभग 29 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रतिनिधि भारत आ जाएंगे, और जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल है, वो भी आज भारत आएंगे और उसके बाद करेंगे। चलिए, अब संध्या बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम सुर्खियों को से साझा करने के लिए। और आपका ऑडियो हम तक नहीं पहुंच पा रहा है तो हम आपसे मुखातिब होंगे फिर बाद में। और आइए अब दर्शकों को खेल की खबरें दिखाने से पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड, अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट के एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा, सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से वापस रुक करते हैं अखबारों की सुर्खियों का। तो वैश्विक समूहों में संतुलन और बहुपक्षीय विकास बैंकों के सुधार पर होगी बातचीत, ये तमाम G20 से जुड़ी अहम खबरें हैं। संध्या, आप इन्हें और मुख्तलिफ तरीके से समझाइए कि किस तरह से अखबारों ने कवर किया है G20 को। जी अंचल, आज सभी प्रमुख अखबारों की लीड खबर बनी है G20 शिखर सम्मेलन की खबर, और नवभारत टाइम्स ने भी आज इस खबर को लीड खबर बनाया है और साथ ही यह भी कहा है कि आज से आगाज होगा G20 शिखर सम्मेलन का, जिसकी तैयारियां राजधानी में लंबे समय से चल रही थी। और ये भी बताया है कि लगभग 29 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रतिनिधि आज भारत आ जाएंगे।
कल से मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी आज भारत आएंगे और उसके बाद उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत भी होगी उनकी। और ये भी लिखा है कि इस बातचीत में यूएस से ट्रेड डील की उम्मीद की जा रही है। और साथ ही अखबार लिखता है कि इसके अलावा शिक्षा और तकनीक के स्तर पर भी कई समझौते होने की उम्मीद की जा सकती है। तो इस खबर को आज इस तरह से हेडलाइन के साथ लिया गया है। जी। आज G20 के विशेष पेज के साथ जनसत्ता ने भी G20 शिखर सम्मेलन की तमाम अलग अलग आइटम के साथ इस खबर को लिया है और ये भी बताया है कि वैश्विक समूहों में संतुलन और बहुपक्षीय विकास बैंकों के सुधार पर बातचीत होगी इस सम्मेलन के दौरान। तो ये एक बड़ी हेडलाइन के साथ जनसत्ता ने आज लिया है कि क्या किस तरह से सम्मेलन जो है किस तरह से निर्णायक भूमिका निभाएगा और किस तरह से सम्मेलन आयोजित होगा और उसके बाद किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी और किन किन मुद्दों पर बातचीत होगी। साथ ही अखबार ने अब हम बात कर लेते हैं भारत मंडपम में जहां पर कन्वेंशन सेंटर में ये G20 शिखर सम्मेलन आयोजित होना है तो किस तरह की तैयारियां होंगी। तैयारियों की बात करें तो 700 शेफ स्टाफ और 400 से ज्यादा डिश परोसने का है प्लान, यानी कि हमारे जो मेहमान होंगे उनको क्या कुछ व्यंजन चखाए जाएंगे, किस तरह की तैयारियां होंगी, ये भी एक एस्पेक्ट कवर करते हुए आज हेडलाइन लिया गया। साथ ही साथ राष्ट्रपति ने जो भोज मेहमानों के लिए रखा है उसमें वीणा के सुरों का जादू भी बिखेरा जाएगा, इस बात को भी लिया है। ये भी बताया गया है कि पावर डिनर पर रहेगी दुनिया की नजरें, यानी कि जो हमारे अतिथि होंगे और इनका जो डिनर होगा वो आम डिनर नहीं होगा, वो विशेष होगा क्योंकि भारत की संस्कृति से, भारत के व्यंजन से, भारत की तमाम ऐसी ऐतिहासिक चीजों से रूबरू मेहमानों को कराया जाएगा जो भारत की अमिट छाप अपने साथ लेकर के जाएंगे। तो ये अखबार लिखता है कि ये जो भोज होगा वो आम नहीं होगा बल्कि बेहद महत्वपूर्ण होगा, खास होगा। बात कर लेते हैं सुरक्षा की, तो G20 शिखर सम्मेलन को लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। दुनिया के स्वागत को दिल्ली में जल थल नभ से अभेद निगरानी की जा रही है क्योंकि दुनिया भर के विश्व की 72 घंटे जो अगले होंगे पूरे विश्व की नजरें भारत देश पर होगी, इस शिखर सम्मेलन पर होगी, तो किसी भी तरह की सुरक्षा के इंतजाम में कोई चूक ना हो उसको लेकर के भी सुरक्षा के मद्देनजर आज इस खबर को हेडलाइन के साथ लिया है। और अब बात कर लेते हैं आसियान भारत समिट की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शिरकत की और उन्होंने ये कहा कि 21वीं सदी एशिया की सदी है, वन फैमिली वन फ्यूचर हमारा मंत्र है। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया और इसी बात के अलावा सहयोग मजबूत करने के लिए 12 प्रस्ताव भी पेश किए गए। तो इस खबर को आज नवभारत टाइम्स ने हेडलाइन के साथ लिया है। और अब बात कर लेते हैं एक और खबर की जो सेल्फी से जुड़ी हुई है। जी हाँ, आप और हम सेल्फी तो लेते हैं लेकिन आदित्य L1 मिशन ने सेल्फी ली है और सेल्फी लेकर के पृथ्वी और चंद्रमा की तस्वीरें भी भेजी है और अपने आप की सेल्फी लेकर के भी भेजी और ये बताया है कि सब कुछ ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। तो ये एक अच्छी खबर। और एक और रोचक खबर हम अपने दर्शकों को बता देते हैं जिसे आज जनसत्ता ने हेडलाइन के साथ लिया है और बताया है कि ताम्र पत्र की अनूठी पुस्तक जिसमें 193 देशों के राष्ट्रीय चिन्ह को एक युवक ने, एक व्यक्ति ने संग्रहित किया है और इसे संग्रहित करने के लिए 1-1 रुपए लोगों से इकट्ठे किए हैं और ये किताब का जो कुल वजन है वो 57 किलो है, यानी कि वो तमाम ऐसी चीजें जिन्हें ताम्र पत्र के माध्यम से हम संजो कर रखते हैं उसे एक तैयार किया गया और इस पुस्तक को नाम दिया गया है संविधान से देश। तो ये आज की तमाम अलग अलग अखबारों में अलग अलग हेडलाइन के साथ ये खबरें हैं, जहां रोचक भी हैं, जितने भी शिखर सम्मेलन से भी जुड़ी हुई हैं। और अब आपको वापस लिए चलते हैं स्टूडियो। बहुत बहुत शुक्रिया संध्या, तमाम अखबारों की सुर्खियों को हम तक पहुंचाने के लिए। और अब आइए देखते हैं खबरें खेल जगत से हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। तो भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपत्रा और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एब्डन की जोड़ी ने US ओपन की फाइनल में अपनी जगह बना ली है। इस सेमीफाइनल में छठी वरीयता प्राप्त इस जोड़ी ने फ्रांस के पुरुष युगल को सीधे सेट्स में हराते हुए 7-6, 6-2 से सफलता पाई। आज होने वाले फाइनल में बोपत्रा और एब्डन की जोड़ी का सामना अमेरिका के राजीव राम और ब्रिटेन के जो सेलिसबरी की तीसरी वरीय जोड़ी से होगा।
और अब खबरें ग्लैमर वर्ल्ड से, लेकिन फटाफट 10 में। अभिनेता शाहरुख खान की फिल्म जवान देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। पिछले काफी समय से फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह था। जवान ने पहले दिन के लिए 13.58 लाख टिकट की एडवांस बुकिंग भी करके रिलीज से पहले ही 35.60 करोड़ रुपए कमा लिए थे। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की फिल्म सुखी का ट्रेलर हुआ लॉन्च। सोनल जोशी द्वारा निर्देशित फिल्म में शिल्पा के अलावा अमित साध, कुशवा कपिला, पवलीन गुलाटी जैसे कलाकार भी आएंगे नजर। फिल्म 22 सितंबर को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। प्रसिद्ध पंजाबी गायक मिलिंद काबा का नया एल्बम फ्रेग्रेंस रिलीज हो गया है। उन्होंने ऐसे ना देख यार मोड़ दो नजर लग जाएगी जैसे हिट गाने गाए हैं। मिलिंद पंजाबी गायक होने के साथ साथ रैपर, एक्टर और म्यूजिक कंपोजर भी हैं। दिग्गज श्रीलंका आई स्पिनर एम मुरलीधरन की अपकमिंग बायोपिक फिल्म 800 में मुख्य किरदार आगरा के मधुर मित्तल ने निभाया। फिल्म की अधिकांश शूटिंग श्रीलंका में हुई। इससे पहले मित्तल हॉलीवुड फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर में भी काम कर चुके हैं। एक्ट्रेस नयनतारा और उनके पति विघ्नेश शिवन ने जन्माष्टमी के मौके पर इंस्टाग्राम पर अपने बच्चों की जन्माष्टमी मनाते हुए फोटो शेयर किए। इस फोटो में दोनों बच्चे धोती पहने हुए मंदिर के सामने बैठे नजर आ रहे हैं। नयनतारा ने अपने दोनों बच्चों को कृष्ण के गेटअप में तैयार किया है। आमिर खान की प्रोडक्शन फिल्म लापता लेडीज की रिलीज डेट आई सामने। फिल्म अगले साल 5 जनवरी को रिलीज। किरण राव ने फिल्म को डायरेक्ट किया। फिल्म का टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भव्य प्रीमियर भी होगा। और नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम की। और मौसम की अगर बात करें तो यहां पर हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में हल्की सुहावनी बारिश का अनुमान जताया गया है। साथ ही बात की जाए तिरुवनंतपुरम, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद और साथ ही साथ चेन्नई की, तो यहां पर भी तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं असम, मणिपुर और मेघालय में भी सुहावने बादल की आशंका है। साथ ही साथ बात की जाए राजस्थान और जयपुर की, तो यहाँ पर सुनहरी धूप खिलने की बात कही जा रही है। और आइए अब देखते हैं कि आपके शहर में तापमान का जो डिग्री है वो न्यूनतम और अधिकतम क्या है। और अब बात करते हैं अपने साप्ताहिक संस्कृत गीत प्रस्तुति की। तो इस कड़ी में आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं हे जय यशोदा नंदन हे मोहन श्याम, इस गीत का संस्कृत संस्करण। और इस गीत को लिखा है माया गोविंद ने और गाया है भूपेन हजारिका ने और के एन शर्मा जी ने। तो आइए डीडी न्यूज के संस्कृत कार्यक्रम वार्तावली के एल्बम से सुनते हैं इस गीत का संस्कृत संस्करण। हमें दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। तब तक मुस्कुराते रहिए, सशक्त रहिए। नमस्कार। नमस्कार। यशोदानंदना।
कदाचन मा कर्म फल ही।